एक नई गुड मॉर्निंग के साथ आपके साथ में हम अमावस्या वाली वीडियो लेके, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था ये वाली साड़ी के ब्लॉग के बारे में। साड़ी ब्रेकर की काफ़ी सुंदर थी और इसमें लिया था मैंने ये टीके वाला लुक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, इतनी प्यारी लग रही थी। रेड कलर का कॉम्बो बन रहा था इसमें ब्लैक कलर की साड़ी के साथ, और आप सब देख सकते हैं आपको भी ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ड्रैपिंग वीडियो से रिलेटेड मेरी वीडियोस होती हैं, तो अमावस्या का दिन स्टार्ट करते हैं बच्चों के साथ और फिर अगेन अपनी वीडियो को लेके। बाय। रूल इस हो गया बनाया पोहा बिचार, नाश्ता वगैरह हो चुका है, ये हो गया रेडी। बाय बाय। क्या रहेगी, क्या चाहिए शिवा? गुड मॉर्निंग, कैसे? सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग हो रही है, जो जो दाना डालते होंगे कबूतरों को उनको पता होगी, तो हमारे तो खुद के भी हैं और ये रे जंगली भी हैं यहाँ पे, तो हमने डाल दिया दाना और देखो कहाँ तक ये पहुँच जा रहे हैं। लगातार सारे के सारे सफ़ेद कबूतर भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर से। तो जलेरी में पानी रखो, दाना रखो, बाजरा हो, मक्का हो या जो भी आपके पास हो, सुबह सुबह की मॉर्निंग इस तरह से ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या है, इवनिंग तक आपका काफ़ी अच्छा समय रहेगा। अभी खिलाए हैं दाना, रोटी खिलाई है इन्हें कबूतरों को और फिर करेंगे इवनिंग तक अपना शेड्यूल स्टार्ट। बाय बाय। बहुत दूर दूर तक हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज एक और सुंदर सी गुड मॉर्निंग, एक ब्लैक कलर की साड़ी और मैंने बनाए हैं आज आलू मेथी। सुबह मॉर्निंग में आपने देखे होंगे लंच में, और फिर उसके बाद आज थी अमावस्या भी, और अमावस्या का व्लॉग आपको शायद कल थोड़ा बहुत, मतलब जो भी है, देखने के लिए मिलेगा। और ये साड़ी का अभी मैं डाल देती हूँ, दिखाऊँगी, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और देखो ये मेरे साथ ही नहीं, शायद सबके साथ होगा, हो ब्लैक कलर की साड़ी में ना स्लिम तो लगते हैं, नो डाउट स्लिम तो लगते ही हैं। बहुत ही प्यारा लुक है, और मैं दिखाऊंगी आपको मैंने जो तुलसी लगाई थी उसमें, तुलसी में कितने सारे बहुत सारे बहुत सारे। और आगे किचन का भी दिखाती हूँ, ये देखिए मंदिर का एरिया मेरा काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि इसमें स्पेस मिल चुका है मुझे, और जिस तरह से मैं भी चाहती हूँ मैं अपने घर को उसी तरह से डेकोरेशन कर सकती हूँ। आई एम ब्लेस्ड और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। और ये मेरा किचन एरिया क्लीनिंग करने के बाद बहुत अच्छे से मैनेज हो चुका है। और मैंने क्या करा था, जैसे कि मैंने एक उसकी अमावस्या के लिए खीर बनाई थी ना, तो चावल मैंने रोक लिए क्योंकि हमारे यहाँ पर चावल सब खाते हैं, ये भी मेरी सूखी सब्जी। और अब मैं बनाऊँगी कुछ पतली, मतलब चाहे मैं कढ़ी बनाऊँ उसके साथ, चाहे दोपहर में बनाऊँगी मैं दाल वगैरह, और उसके बाद ये ब्लॉग जो कम्प्लीट होगा इस साड़ी के साथ वो आपको आगे देखने को मिलेगा।
हेयर कलर, हेयर कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये होगी ब्लॉगिंग वीडियो। और ये रहा ओपन साड़ी, ये सारी एडिटिंग हो रही है मेरे ब्लॉग की जो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस तरह की साड़ी किस किस को प्यारी लगती है आप जरूर बताइएगा। फैमिली वीडियोस होती हैं, ऑल टू ऑल मेरी सारी की सारी फैमिली देखती है। थैंक यू सो मच माय भाभीज, माय सिस्टर, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली और विलेजर्स जो मेरे गांव में भी हैं बहुत से, तो जो मुझे बताते हैं कि भाभी हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो थैंक यू सो मच। और साड़ी आज बहुत ही बेहतरीन है, अमावस्या के लुक की वजह से मैंने ये ड्रेपिंग की है। और ये है कुछ ट्रांसपेरेंट लुक के साथ, और ये देखिए। और सभी के सभी कमेंट करते हैं कि मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच। तो इसी तरह की वीडियोस आप सबके बीच में आती रहेंगी, और इसी तरह के ब्लॉग लाइव आपके देखते रहिए। और जो भी मेरी लाइव को अप्रिशिएट करता है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और साथ के साथ मेरे ब्लॉग्स जो पसंद करता है, क्योंकि मैं लाती हूँ फैमिली ब्लॉग्स। तो बाय बाय। कॉम्बो कितना प्यारा है, रेड कलर, रेड कलर। और इस रेड कलर के साथ मैंने लिया हल्का सा मांग टीका, क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियोस। तो मेरी वीडियोस देखने के लिए आप इंस्टा पे जाके मेरी आईडी चेक कर सकते हैं, पूजा सुनील शर्मा। उसी आईडी आप उसी पे मुझे जो कोलाबरेशन के लिए आ रहे हैं वही मैं आपको बता रही थी। तो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है, तो दिखाइए, बहुत सुंदर लुक आ रहा है साड़ी का, बहुत ही प्यारा एरा। चलिए करते हैं वीडियो को आगे कंटिन्यू। जिस जिस को ये जानना है कि मतलब मैं जो लंच में बनाने जा रही हूँ, जो आपको व्लॉग मिलेगा कल, तो चावल तो मेरे ये रहे, सबको पता जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखता है। तो ये बनने जा रही है हमारी चटनी लहसुन वाली। इसमें मैं क्या डालती हूँ, लहसुन, प्याज, सूखी मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, और ये होगा अदरक का टुकड़ा जो हम डालेंगे इतना। और फिर उसके बाद इसमें करेंगे हम अपनी हल्दी, ऐसा किस किस के साथ होता है जब खाना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनने के लिए रेडी हो जाता है, मसाला वगैरह आपका दाल में डलने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होने वाला है खाना, उसी टाइम में आपका सिलेंडर फिनिश हो जाए। तो किस किस का सिलेंडर लगाना नहीं आता है मैं आज बताती हूँ, बड़े खाना नहीं आता उसके लिए ये वीडियो। तो देखिए ऐसे पिन की, और ये ऐसे करके ऐसे उधर से लेके ओके, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये आसानी से हो गया। और उधर अपने रिफिल को ओपन करके और फिर दबा देंगे, कट की आवाज़ आएगी, वहीं से सिलेंडर ऑन हो जाएगा। तो मैं करने जा रही हूँ अब चेंज, अपना सिलेंडर निकाल लूँगी दूसरे वाला और इसी सिलेंडर को चेंज कर लूँगी। बाय बाय। लग गया सिलेंडर, स्टार्ट होगी गैस, बस अब कितनी देर लगेगी शॉक लगने में, थोड़ी देर बाकी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आफ्टरनून हो चुका है, 2 बज चुके हैं, बच्चे आ गए स्कूल से, और इसमें ये गए नहीं था, फोर्थ सैटरडे था, तो ये तो यहीं पे है। और मावस की रोटी जो मैंने निकाली थी वो मैंने गाय को दे दी है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था चूल्हा साफ कर देते हैं, ताकि मतलब लहसुन प्याज से रिलेटेड कुछ भी वीडियो जो मतलब सॉरी खाना आप बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो चावल तो मैंने बना दिए थे, आपने देखा ही था। तो अब मैंने क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये रहे हमारे चावल, और ये रही हमारी तड़के वाली लहसुन वाली लहसुन। और पेस्ट मैंने बताया था ना तड़का किस तरह से लगाती हूँ मैं, वो आप देखिए। तो दाल में मखनी दाल जो होती है उसमें आलू कौन कौन डालता है
ये मेरे को जरूर बताइएगा। और इसके बाद मैंने बनाया है यहाँ पे टेस्टी टेस्टी यमी यमी, आपने तड़का मेरा देखा ही हुआ है, तो ये है मेरा जीरे वाला तड़के वाला जो कटोरी है ना, देखो अभी भी इसी में है ये। और उसके बाद बना करेंगे पार्सल यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो खाने का टेस्ट आने वाला है आपको, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वन बाइट में जरूर श्योर करके आपको दिखाऊंगी। ट्राई जरूर कीजिए। तो ये थाली, और अब चलेंगे हम तेल डलवाने स्कूटी में। मौसम उस दिन की तरह ऑरेंज अच्छा लग रहा है। ये वाला व्यू सबसे सुंदर। और चलिए चलते हैं घर पे और करेंगे अपने डिनर की तैयारी, और डिनर में देखते हैं क्या प्लान होता है। माय गॉड, देखिए शाम का टाइम हो रहा है डिनर के लिए, और इसने देखो क्या सीक्रेट रेडी किया। करो करो दिखाओ, इसमें पूरी की पूरी मलाई भरी हुई है। मलाई अभी रुक देखो, ये छिपाना चाह रहा, ये पागल वेट कर रहा है क्योंकि इसने चटनी बनाई, सेजल भी खाएगा। तो देखो इसने कितनी सारी मलाई छिपा के, ताजी ताजी है ना। कौन कौन बनाता है ऐसा यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पास्ता, तो मेरा तो पास्ता इसने अपने आप रेडी कर लिया है और अभी खाएगा स्पून वगैरह। करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, गुड नाइट। और कौन कौन किस किस की अपनी मम्मी की इस तरह मदद करता है, बाय बाय। इस सफ़र को अभी तो कंटिन्यू रखेंगे ही। थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर जो धीरे 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 मेरे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। एक नई वीडियो के साथ करेंगे अगली शुरुआत, बहुत ही प्यारी कितने सुंदर व्यू के साथ हम आ गए हैं हमेशा के साथ आपके लिए नई वीडियो लेके आते रहेंगे। चलिए करते हैं, बाय बाय।